Z5 ऐप डाउनलोड करो ते देखो पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। एदा मतलब ए कि तू बस हुड वाला बदमाश बनिया सी ते असल विचो कोई होर सी। हाँ, हाँ, हाँ। ते फिर तू ओनू बचाउंदा क्यों पिया सी? अद्धी कहानी दसन नाल तेरी जान नहीं बचनी, चल छेती बोल। मैं नाटक ओनू बचाउण लई नहीं, किसे ने कहने ते कीता सीगा जी। अच्छा, किसी ने कहा सी? हाँ। ते कौन सी हो? जो रवाई ते अजीब मैडम। ए ता मैनू पहले ही पता सी कि वो मास्टरनी बड़ी तेज है, पर वो मेरे नाल एदा दी खेड खेडती पई है, ए नहीं सी पता मैनू। वो भी ओदो जदों मैं ओदे उत्ते भरोसा करन लग पई सी। बस तेरी यही गलती है जेड़ा तू उस अजूनी ते भरोसा किता। देखो कौन है बाहर। कौन हो सकता है? मैडम जी बात तो कोई नहीं है। कोई नहीं है ते तू हुण ए भी दस दे कि ओ असली हुड वाला बदमाश कौन है। मैं सच बोलना जी, उधर मैनू कुछ नहीं पता जी। थोन लगे जी तीजा बंदा मैं चोरे बाई नाल गल देखिया सीगा, ओ एक बार देखिया सी, ओ भी चंगी तरह नहीं। ते जे ओनू फिर देखेगा तो पहचान लवेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पहचान लूंगा। दीप, बड़ी जोर दी भूख लगी है, ओ फटाफट नाश्ता करा दो। वीरे आज नाश्ता मैं नहीं बनाया। नहीं बनाया? दी तुहानू चंगी तरह पता है ना, जब तक मैं तुहाडे हर दा नाश्ता ना खा लेना मैनू चैन नहीं आंदा। नाले ओ मैं चंगू मुंगू दे हाथ नाश्ता नहीं खाना। किसी चंगू मंगू दे नहीं, अज तेन फरलीन दे हाथों का खाना खवाने आ, क्योंकि अज नाश्ता ओने बनाया। नाश्ता रेडी है। सब की है ए बहुत हेल्दी खाना है, असी सारे यही खाने अपने घर च, तुसी भी खा के देखो। कार्लिन मेरे ना पेट च बहुत दर्द हो रही है। तुसी रहन दो, यह सब खाना ना तुसी खाओ, मैं पहले अपने ढिड का इलाज कर ला। बस करो युवराज, हजे तो तानू इन्नी तेज भूख लगी सी ते हुन एकदम ढिड च दर्द होने लग गया, ऐसा ड्रामे क्यों? हाँ मैं ड्रामा कर रहा हूँ।
क्योंकि सानू सारे नू ना एहो जे खाने देना खाने दी आदत है नहीं। जब तक सानू परौंठे दे उत्ते मक्खन ना मिले ना तद तक सानू चैन नहीं आंदा। ते फिर तुसी झूठ क्यों बोलिया, सीधा सीधा मना कर दिंदे। ओ हरलीन पुत्र, बेटा युवराज दा इरादा तेरा दिल दुखांदा नहीं सी। पुत्र तू उसकी गल नू समझी नहीं। शुक्र है मम्मी तुसी मेरी खाने वाली गल नू तां समझे। काश इदां ही तुहानू इक दिन ए वी समझ च आ जावे कि मैं अपना प्यार तुहाडे तों क्यों लुकोया। हरलीन वालों मैं माफी मांगदी हां पुत्र जी। आई एम सॉरी, एक्चुअली ना हरलीन नू हजे तुहाडी पसंद नापसंद बारे कुछ नहीं पता, पर मैं तुहानू वादा करदी हां कि वो ना छेती तो छेती सब कुछ सीख जाएगी। हरलीन बड़ी ही समझदार कुड़ी है, तुहाडे नाल प्यार भी बहुत करती है। जिदा सब कुछ पहले ही पता लग जाता है ना। मल्हारो तुसी दसो की होया उत्थे। एक्चुअली तन्या गीत गीत ने उसे कंपटीशन दे विच तक कमाल ही कर दिती। गीत ने रिदम कंपटीशन दा आ लेवल भी पार कर लिया। वाह, बहुत सोहनी खबर सुनाई तुसी। जाने कि हुण तक इस मुकाबले विच जिथे बेस्टी जा नहीं सकी सी वो कमी सारी पूरी कर दिती। ते हुण फिर अज वो होएगा जो कल नहीं होया। कल नहीं सी हो सकया, की नहीं होया कल? दो दिल मिल रहे हैं मगर चुप के। अब कल सुहागरात नहीं ना मनाएगी मल्हार प्रोदी? मेरी सुहागरात? हाँ जी जो तो व्याह दो बारी होया ता रस्मां भी दो बारी होंगी। आहो, बस ऐसी चीज की कमी रह गई सी। तुसी दोवें एदा मेरे वाल झकी आने हैं? मैं तो बस यही सोच रहा पिया सी कि सुहागरात वास्ते सेज कौन सजाएगा मल्हार बरोदी, ते फिर तुहाडे ते नजर टेगी। तुसी जो मर्जी कहो, मैं तो खुशखबरी ना पापा जी ने लेके आना। पापा जी हाँ भाई, की गल है, किस गल का रौला पाया? मैं कितने भजया नहीं है, इतनी हाँ। पापा जी गल ही रौला पाने वाली है, तुम्हें गीत के कॉम्पीटिशन बारे तो पता ही है। तो गीत ने उत्थे क्या टोल बजाया, सच्ची गीत ने तो कमाल ही कर दिती। मैं तो बहुत खुश हाँ, पर पापा जी कि तुसी खुश हो? यार एक ढोली की कुड़ी वधिया टोल बजावे माड़ा टोल बजावे, मैंने इस गल तो की लेना देना? मैनू इस गल ना कोई फर्क नहीं पैंदा, तू भी चाहे नचला है, मैनू तां भी कोई फर्क नहीं पैन लगा इस गल ना। अच्छा फिर तुसी गीत नू जान लगे आशीर्वाद क्यों दिता? जो होना सी हो गया, हुण तो मेरा सीना खाई। हाँ आप तो घ्यो दा डब्बा नहीं वजदा, ते इन्हां दी नू ढोल ते तबला वजा लैंदी है, बस इसे गल दा साड़ा है इन्हां नू। मल्हार इस नू समझा दे, डालडे दे डब्बे वजाउण दा रिवाज इन्हां दे घरां विच होगा, साडे घरां विच नहीं है। साडा तो जो दिल करदा ना असीं पैसा खर्च करके महंगे तो महंगे कलाकार बुला के जो दिलां दा सुन लईदा है। इदा किसी दी गल्लां सुनियां चंगियां तां नहीं हुंदियां, पर हुण मैं करां वी की? देवांश तू मैनूं दस की तू मैनूं प्यार करदा? वजीर सी, डोंट लाफ, जस्ट आंसर मी। वजीर थानू लगदा है कि मेनू नयन ना प्यार हो सकदा है? मैं देवांश ए नहीं कह रही, नयन नु तेरे नाल प्यार होना एक नेचुरल गल है, क्योंकि वो एक पिंड दी अनपढ़ ते गवार कुड़ी है, पर तू एक पढ़िया लिखिया हैंडसम ते रिच मुंडा है, तुहाडा दोनों दा कोई मेल ही नहीं है। सो इस करके मैं तेरिया फीलिंग्स जानना चाहती सी।
नयन दी नजर सिर्फ तेरी प्रॉपर्टी ते तेरे पैसे ते है। किते ऐदा ना होवे कि वो तेनु अपने प्यार दे जादू च फसा ले। वो मेरे बिल्कुल जादूगर नहीं लगती है। तो जस्ट बी केयरफुल। मैनू भूआ जी तो यही उम्मीद सी। हुण चोर तो बाद एक होर नाम मिल गया चातुगढ़नी दा। देख देवांश, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं ओदे बारे की सोचदी हां। मैं ये जानना चाहनी हां कि तू ओदे बारे की सोचदा है। देवांश जी रुक जाओ, ये दूध ना पियो। देवांश जी बाहर आओ। पर होया की? गड्डी नूं अग लगण वाली है, बाहर आओ। नयन जादूगरनी तां है ही, जिहड़ी अपने पावर्स ते जादू ना मैनू प्रोटेक्ट कर रही है। देवांश जवाब दे मैनू। अब पुआ जी, ए प्यार वगैरह ऐसा मैनू समझ नहीं आंदा। मैं समझन दी कोशिश कर रहा, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, मैं नयन नूं प्यार नहीं करता। पर मैं तुहानूं बहुत प्यार करती हां। हे नैना देवी, मैनूं देवांश जी दी रक्षा करन दे लई बल देना। हुण मैं उस नयन नूं आसानी नाल इस घर तों बाहर कढ सकदी हां। बाऊ जी ना आप लैण आए सी सानूं, मैनूं तां यकीन ही नहीं हो रहा। ये तो होना ही सी रमनीक, पर इतनी छेती हो जाएगा मैं कदे नहीं सोचा सी। बाऊ जी अमृता जी नु बहुत प्यार करते ने। मैं उस दिन ऐदा नहीं कहा सी कि अमृता जी बाऊ जी दी धी आ। अज बाऊ जी नु उत्थे देख के मेनू तो यकीन हो गया कि लाइफ विच कुछ भी पॉसिबल है। नाले हुण बाऊ जी अमृता जी दे नेड़े रहणगे, इस नाल उहनां दी तबीयत भी ठीक रहेगी। अमृता जी दे दूर होने करके बाऊ जी बहुत परेशान हो गए सी। ऐसे परेशानी नाल वो बीमार भी हो गए। हाँ, बाऊ जी ना मम्मी नाल बहुत अटैच्ड ने, मम्मी भी उन्हां नाल बहुत अटैच्ड ने। दोनों इन्ने सालों तो कट्ठे रह रहे ने। वैसे विक्रांत जी, मैं तुहाडे तो एक गल पूछनी है, प्लीज तुसी मैनू सच्ची सच्ची दस्सियो। हाँ रमनी, पूछ की पूछना। विक्रांत जी, उस दिन मैडी दे मुंहों निकल गया सी कि ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਸੀ? ਦਰਅਸਲ ਰਮਨੀਕ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਮਨੀਕ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਚਕਾਣਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਮੈਡੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਚਕਾਣਾ ਆਈਡੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਵਿਕਰਾਂਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਰਮਨੀਕ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਭ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੰਮੀ ਮੇਡ ਫੋਰ ਈਚ ਅਦਰ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਰਮਨੀਕ, ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੂੰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ ਲਈ ਬੇਫਿਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ ਵਿਕਰਾਂਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਲੱਕੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲੀ। ਮੰਮਾ ਲੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਮਿਲਿਓ। ਫੜ ਕੇ ਨਚਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁੜੀ ਘੱਟ ਨਰਵਸ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਵਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਲਟਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ।
आज वाला एक बार दोवें अपने गल इस तरह दिखा दो कैमरा नूं ओके सो नेक्स्ट हैगा है कि व्याह तो बाद किदे जेड़े हाव भाव ने वो ज्यादा बदल गए किदे च ज्यादा बदलाव आया मेरे अच्छा एक्सप्लेन करो असि एक दूजे नूं थोड़ा ज्यादा जान पछाण अंडरस्टैंडिंग होर वधाई फिर उस हिसाब नाल अपने आप नूं एडजस्ट भी कीता नहीं इन्ना ज्यादा सानू दोनों नु नहीं आंदा बट जे आए तो फिर इन्ना नु एकदम ही आ जा जांदा ओदा कोई किसी नु इन्ना गुस्सा नहीं आंदा इन्ना कोई गुस्से वाला नहीं सो मेरा अगला सवाल है कि हमेशा 5 मिनट दा 1 घंटा कौन करता है इन्ना दी ते हर जगह मतलब मशहूरी हो गई है एक ते जदों भी किसी फंक्शन च जाना होंदा है किसी पार्टी ते जाना होंदा है इन्ना ने शेव कराना इन्ना कहना मैं 5 मिनट च शेव करा के आया उस तो बाद 1 घंटे दा 2 घंटे वो कदों बीत जांदे पता ही नहीं लगदा हैगा 2-2 घंटे लग जांदे शेव इन्ना नु कराउंदे कराउंदे 2-2 घंटे शेव कराउण च लग जांदे मतलब तुसी लेट कराउंदे लेट कराउंदे ओके सो मेरा अगला सवाल है दोवां विच्चों ज्यादा अड़ियल कौन है अड़ कौन जांदा चीजां ते जे इदां है ते इदां ही रहनी चाहिदी है अड़ियल है ओ बेचारे कुछ बोल नहीं रहे तो सारा ही जिदां ए ही ने अच्छा तुसी हो अड़ियल अड़ तां जांदा चीज सही चीज नहीं सही चीज नहीं मैं हमेशा सपोर्ट करदा जो चीज सही है वो कोई विजन है कुछ आपां अगे को प्रोडक्टिव सोच रहे हैं हां ओदे लिए अड़ जाना कि वो चीज आपां करके ही रहनी है थोड़ी बहुत कमी सारे होंगी मैं लगता नहीं अज तक किसी चीज ते कोई बहस हुई है अपने चाहे हाँ एक पेशेंस लेवल है जो मैं पहले भी दसिया मैं लगता एक औरत पेशेंस लेवल दे सिर ते ही ता जींदी है क्या बात है हुन हुन नहीं अगो दी कह दिंदे एक होर भी लगाना है चलो लगा लो देख लो पेशेंस लेवल दा नतीजा क्या बात है वाह सो कैमरा वाल दोवें पोज कर दो और एक हग हो जाए फॉर ऑल दोज इयर्स दैट यू हैव बीन टुगेदर कट्ठे रहण लई बहुत वधिया इस नाल वेला हो गया जी अंताक्षरी खेडण दा अंताक्षरी दे नियम बहुत सिंपल ने मैं कुछ क्लूज तुहाडे अगे रखांगी तुसीं बुझणा किहड़ा गाणा है हर सही गाना देगा तो एक पॉइंट तुसी दो टीमां च वंडे हुए हो जिहड़ी भी टीम को अखीर विच सब तो ज्यादा पॉइंट्स होंगे ओही विजेता होगी सिंपल सो शुरुआत करते हैं तुहाडा पहला क्लू है दिल दुनिया दारू मैंने प्यार तुम्ही से किया है मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से अब ना डरूं तुझसे मैं प्यार करूं मैं दुनिया से अब ना डरूं तुझसे मैं प्यार करूं क्या बात है वाह तो यह जड़ा पॉइंट है तुम्हारी टीम वाल जाता है अगला क्लू हैगा है दिल वल्ला उफ रुक 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 अरे बाबा रुक ओ माय डार्लिंग दिल में लुक दिल मेरा धड़के तेरे लिए दिल मेरा धड़के तेरे लिए गुस्सा तेरा वल्ला वल्ला नखरे तेरे उफ उफ लव 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 तुमसे लव हुआ लव 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 तुमसे लव हुआ क्या बात है वाह और इसे नाल एक पॉइंट भी तुसी पा लिया अगला क्लू हैगा राजा पहली प्यार राजा को रानी से प्यार हो गया पहली नजर में पहला प्यार हो गया दिल जी गए दोनों घायल
बात है, बहुत खूबसूरत। सो 2-1 द स्कोर है हुन तक। अगला क्लू है राह मुलाकात बाद। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। सोने गाने क्या बात है, वाह। सो 3-1 द स्कोर है। अगला क्लू है खैर रब मंगा। नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंग दे। नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंग दे। तेरे पैरां च अखीर होए मेरी, तेरे पैरां च अखीर होए मेरी, दुआ ना कोई होर मंग दे। नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंग दी। क्या बात है, वाह। तो 3-2 का स्कोर चलता पिया है। और अगला क्लू हैगा है गवाचा निगाह आई। पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंद आई, पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंद आई, चिरे वालिया वेख जाई वे, मेरा लौंग गवाचा निगाह मारदा आई वे, मेरा लौंग गवाचा। So 3-3 दे स्कोर दे नाल साडी अंताक्षरी इत्थे खत्म हुंदी और एक टाई है। सो बहुत खूब गाया, क्या बात है, एक बार अपने लिए ताड़ियां मार दे। एक बार मैं दरख्वास्त करांगी अपनी टीम तो कि इन्हां लई जो खास तोहफा है वो लेके आंदा जावे। अजो जी, थैंक यू मैम। आ देखो जी, वॉलनट एंड एप्पल सैलड जिहड़ी है बन के तैयार है। इहनू आपां हुण करदे आ गार्निश। वधिया साडे कोल अनार दे दाणे है जी, ये वधिया रंग आएगा इसके उत्ते। वाओ, बहुत वधिया कलरफुल जिहा गार्निश हो रहा है। इहदे नाल नाल जी असीं एक मिंट का स्प्रिगे इस ते लगावांगे। ते लो जी, किन्नी कलरफुल साडी सैलड लग रही है ना जी। फटाफट इहनू करके देखदे आ टेस्ट। मेरे तो ना रहा नहीं जा रहा जी। वाओ, बहुत ही कमाल दी सैलड बनी है जी, स्वाद ही आ गया। जिहड़ा इहदा फ्लेवर आ रहा ना, बहुत अमेजिंग है। एप्पल दा क्रंच है, उहदे नाल ना वॉलनट्स दा बड़ा अच्छा फ्लेवर है। जिहड़ी असीं ड्रेसिंग तैयार कीती सी ना खट्टी मिठी जी, ओह बहुत ही इंटरेस्टिंग इहदे विच फ्लेवर ऐड कर रहे हैं जी। तुसीं इह रेसिपी जरूर ट्राई करो। नोट करो इसका क्विक रीकैप। वॉलनट एंड एप्पल सैलड बनाने लिए सब तो पहले असं अखरोट नूं पैन दे विच पा के थोड़ा भुन लवेंगे। उस तो बाद भुने हुए अखरोट ते सेब नूं कट लवेंगे। फिर एक बाउल दे विच ऐड करांगे 2 चम्मच मेयोनेस, 1 चम्मच शहद, 1 नींबू, थोड़ी जी सीजनिंग, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच काली मिर्च ते चंगी तरह मिक्स कर लवेंगे। हुण इस विच ऐड करांगे एप्पल ते अखरोट। उस तो बाद इस विच ऐड करांगे 5-7 पत्ते लैटस दे ते चंगी तरह इस नूं मिक्स कर लांगे। ते लो जी, तैयार है वॉलनट एंड एप्पल सैलड। ते हुण आपां गल करदे हां जी बेबे दे नुस्खियां दी। अज दा जिहड़ा नुस्खा है ना जी, उहनां वास्ते है जिन्हां दा शुगर लैवल, ब्लड शुगर लैवल कह लो, उह अप डाउन रहिंदा है, कंट्रोल दे विच नहीं रहिंदा। कुछ डायबिटिक पेशेंट्स भी हुंदे आ, उहनां नूं भी इह नुस्खा हैल्प करेगा शुगर लैवल नूं कंट्रोल च करन लई। हुण आपां करना की है जी, सब तो पहलां आपां पैन नूं करांगे गर्म ते इहदे विच ऐड करांगे थोड़ा जिहा पानी। इस पानी दे विच बहुत ही वधिया एक इंग्रीडियंट असीं लैके आए हैं जी, जो एक मेडिसिन भी हैगी है ते ब्लड शुगर लैवल नूं कंट्रोल करन दे विच सहायक है। साडे कोल ने जी जामुन दे पत्ते। आपां थोड़े जे जामुन दे पत्ते इस तरह हैंड टीयर करके इहदे विच ऐड करने है। इहदे नाल नाल असीं इस नूं होर थोड़ा फ्लेवर देण लई इहदे विच ऐड करना है जी दालचीनी दा एक टुकड़ा ते चंगी तरह इस नूं बॉयल करना है। एक हर्बल टी बना लैणी है। ते लो जी, ये चंगी तरह बॉयल हो चुकी है। दोनों चीज़ों का फ्लेवर जिहड़ा है वो साढ़े पानी दे विच आ गया जी। हर्बल टी जिहड़ी है बड़ी सोहनी तैयार हुई है। हुण आपां इहनूं स्ट्रेन कर लेना है।
ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲੇਵਰਫੁਲ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੇਵਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਪ ਸਿਪ ਕਰਕੇ ਪੀਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ੀ5 ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ